हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जेक्वेरी कोर्स से रिलेटेड 36 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप जेक्वेरी के फिल्टरिंग मेथड सीखने वाले हैं। इससे पिछली तीन वीडियोस में हमने डॉम ट्रैवर्सिंग से रिलेटेड अलग अलग मेथड सीखे थे, जिसमें थे इंचेस्टर मेथड्स, डिसग्रंटेड मेथड्स, सिबलिंग मेथड्स। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पर इसका एक लिंक दे दूंगा, जहाँ से जाके आप ये वीडियोज़ देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फिल्टरिंग मेथड्स। तो आइए पहले देखते हैं कि हमारे पास फिल्टरिंग मेथड्स हैं कौन कौन से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें हमने 6 मेथड्स दिए हैं आपको फिल्टरिंग से रिलेटेड, जिसमें है फर्स्ट, लास्ट, इक्यू, इक्यू मतलब इक्वेशन, फिल्टर, नॉट और स्लाइस। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली इन सारे मेथड्स को यूज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एचटीएमएल के एडिटर में अपना एक बेसिक सा एचटीएमएल का एक डॉक्यूमेंट बना लिया है। यहाँ पर ऊपर एक हेडिंग दी हमने और उसके नीचे एक डिव है जिसके अंदर दो पैराग्राफ आ रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। उसके नीचे एक अनऑर्डर लिस्ट है जिसमें हमने कुछ फ्रूट्स के नेम दिए हैं और उससे नीचे यहाँ पर फिर से एक डिव है जिसके अंदर हमने दो पैराग्राफ दिए। यहाँ पर देखिए, ये इसकी एस्टिमेल है, ये ऊपर एक हेडिंग है। यहाँ पर देखिए, जो पहला पैराग्राफ है उस पर हमने आईडी लगाया है फर्स्ट, उसके नीचे अनऑर्डर लिस्ट है। फिर जो हमारे पास सेकंड डिव है उस पर हमने आईडी लगाया है सेकंड, ये देखिए। और यहाँ पर हमने नीचे जेक्वेरी की एक एक्सटर्नल जीएस फाइल लगाई है जिसको यूज़ करके हम इस वीडियो का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट टैग लिख लेता हूँ। इसके अंदर मैं जेक्वेरी का जो बेसिक कोड है डॉक्यूमेंट डॉट आईडी उसको लिख लेता हूं। अब इसके अंदर आकर मैं करना क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं अपने फिल्टरिंग के जो मेथड्स हैं उसमें से जो सबसे पहला मेथड है फर्स्ट, उसको यूज करके दिखाऊं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं सिलेक्टर बना लेता हूं पी टैग का, ये देखिए मैंने यहां पर पी लिख दिया। अब मैं यहां पर अपना मेथड यूज करूंगा फर्स्ट। अब ये फर्स्ट मेथड जो है ये क्या काम करता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो भी हमारा सिलेक्टर होगा सबसे पहले सिलेक्टर को टारगेट करेगा। अब हमने यहाँ पर लिखा है पी, तो पूरे पेज में जो सबसे पहला पैराग्राफ टैग होगा उसको टारगेट करेगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पर जो भी इस पे काम करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं इसकी अगर एचटीएमएल उठाना चाहता हूँ या सेट करना चाहता हूँ या एनिमेशन करना चाहता हूँ या सीएसएस लगाना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं सीएसएस लगा रहा हूँ इस पर, और सीएसएस में मैं इसकी प्रॉपर्टी चेंज करूँगा बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैंने इसको कलर दे दिया गोल्ड। यहाँ देखिए मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए पूरे पेज में जो सबसे पहला पैराग्राफ था उसको इसने टारगेट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर जाकर इसे सिलेक्टर में थोड़ा सा चेंज कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर कहूँ जो डिव के अंदर पहला पैराग्राफ आ रहा है उसमें जो फर्स्ट है उसको टारगेट करे, तब भी ये यही पैराग्राफ को टारगेट करेगा, ये देखिए। मगर अगर मैं यहाँ पर जाकर स्पेशल किसी एक आईडी का नाम दे दूँ, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक आईडी है सेकेंड, तो मैंने कहा सेकंड के अंदर जो पैराग्राफ है उसमें से फर्स्ट ढूंढे, तो मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए इसने यहाँ पर पहले पैराग्राफ को टारगेट कर लिया। अब बिल्कुल इसी का उलट होता है लास्ट, मैं आपको उसको भी करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ से ये सेकंड हटा दिया और यहाँ पर लिख दिया लास्ट। अब लास्ट क्या काम करता है, ये बिल्कुल जो इसे पूरे पेज के अंदर लास्ट पैराग्राफ मिलेगा उसको टारगेट करेगा, ये देखिए पूरे पेज में लास्ट जो पैराग्राफ था उसको इसने टारगेट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर किसी और टैग की बात करूँ, जैसे हमारे पास यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट आ रही है और इसके अंदर एल आई आ रहे हैं, तो मैं इनमें भी यही काम कर सकता हूँ। तो देखिए मैंने लिखा यू एल के अंदर जो एल आई टैग आ रहा है मैंने उसको टारगेट किया और ये देखिए यहाँ जो लास्ट एल आई था उसको इसने टारगेट कर लिया। इसी सेम एल आई पे मैं फर्स्ट नाम का मैथड भी यूज़ करके देख सकता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट लिखा और फाइल को सेव किया, ये देखिए हमारा जो पहला एल आई टैग था उसको इसने टारगेट कर दिया। अब मैं आपको तीसरा मेथड जिसका नाम है इक्यू, इक्यू मतलब इक्वेशन, उसको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा इक्यू। इक्यू के अंदर आपको एक पैरामीटर देना पड़ता है जो कि होता है न्यूमेरिक नंबर, कि 1, 2, 3, 4 किसको टारगेट करना चाह रहे हैं। जैसे फर्स्ट और लास्ट तो सिर्फ पहले और लास्ट वाले को टारगेट कर रहे थे, मगर अगर आप बीच में से किसी को टारगेट करना चाहते हैं तो आप इक्यू नाम का मेथड यूज़ करते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा टू, तो टू का मतलब होता है जो तीसरा वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है। ये देखिए इसने सेकंड एप्पल को टारगेट क्यों नहीं किया, मैं उसके भी मतलब आपको बताता हूँ। देखिए ऑरेंज का जो इंडेक्स है वो है 0, एप्पल का है 1, मतलब कि जो इसमें स्टार्टिंग होती है वो 0 से होती है, 0, 1, 2। तो 2 पे है बनाना और 3 पे है ग्रेप्स। अगर मैं यहाँ पर एल आई को टारगेट ना करके पैराग्राफ को टारगेट करूँ, तो देखिए मैं फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर इसने तीसरे वाले को टारगेट कर लिया, मतलब कि 0 पे हमारा पहला पैराग्राफ ये वाला है, फर्स्ट पे ये वाला, सेकेंड पे ये वाला पैराग्राफ था, तो इसने इसी को टारगेट किया। मैं देखिए यहाँ पर अगर आपको 0 डाल के दिखाऊं तो ये सबसे पहले वाले को टारगेट करेगा, ये देखिए। मैं यहाँ पर माइनस में भी दे सकता हूँ इक्वेशन,
ये देखिए, अगर मैं -1 करता हूँ तो ये बिल्कुल लास्ट वाले को टारगेट करेगा। ये देखिए, इसने लास्ट वाले को टारगेट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर -2 दूंगा तो बिल्कुल सेकंड लास्ट को टारगेट करेगा। ये देखिए, अब हम अपना चौथा मेथड जिसका नाम है फिल्टर, उसको यूज़ करके दिखाता हूँ। फिल्टर के अंदर जाके आपको यहाँ पर एक CSS का सिलेक्टर देना होता है कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर पैराग्राफ तो चार है ही हैं, दो ऊपर है और दो नीचे हैं, मगर जो सेकंड में पहला पैराग्राफ है उस पर हमने क्लास लगाई है टेस्ट। तो देखिए, मैं ऐसा पैराग्राफ को टारगेट करना चाह रहा हूँ जिस पर टेस्ट नाम की क्लास लगी हुई है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कोट्स के अंदर टेस्ट लगा दूंगा, और मैंने फाइल को सेव किया। डॉट इसलिए लगाया क्योंकि ये क्लास है। ये देखिए, इसने पूरे पेज में जहाँ पर भी पैराग्राफ के अंदर टेस्ट नाम की क्लास लगी हुई थी उसको इसने टारगेट कर लिया। आप इस सिलेक्टर के अंदर टैग नेम, क्लास नेम, आईडी या कोई भी CSS का एडवांस सिलेक्टर यूज कर सकते हैं। यही सेम काम जो आप फिल्टर के अंदर कर रही है, ये विदाउट फिल्टर भी कर सकते हो आप। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर दिया और मैं यहाँ पर p.test लिख दूंगा अगर, तो देखिए ये वही वाले पैराग्राफ को टारगेट करेगा जिस पर टेस्ट नाम की क्लास लगी हुई है। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, तो आपने देखा ये काम विदाउट फिल्टर भी हो सकता है और विद फिल्टर भी हो सकता है। मैं Ctrl+Z करता हूँ यहाँ पे। अब मैं अपना पांचवा मेथड जिसका नाम है नॉट, उसको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो आपको जस्ट यहाँ पे मेथड का नाम चेंज करना है नॉट, और नॉट के अंदर यहाँ पर आप एक पैरामीटर देते हैं जो भी CSS का सिलेक्टर हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पर हमारा पास मतलब क्या बना कि ये उन्हीं पैराग्राफ को टारगेट करेगा जिस पे टेस्ट नाम की क्लास नहीं लगी हुई। नॉट टेस्ट, मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहाँ पर इसने टेस्ट नाम की क्लास को छोड़ के सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया पेज के। अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह लिखूँ, है सेकेंड के अंदर जो पैराग्राफ आ रहे हैं नॉट टेस्ट, और ये देखिए, इसने सिर्फ लास्ट वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि इस पर तो टेस्ट नाम की क्लास लगी हुई थी। तो मैं यहाँ पर नॉट के अंदर कोई भी सिलेक्टर CSS का बना सकता हूँ, टैग नेम, क्लास नेम, आईडी या कोई भी एडवांस CSS का सिलेक्टर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपने लास्ट मेथड की जिसका नाम है स्लाइस। स्लाइस का मतलब होता है कि आप बीच में से कोई एक पार्ट उठाना चाहते हैं, पर्टिकुलर एक नहीं, एक से ज़्यादा पार्ट। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैंने स्लाइस लिखा और यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ, और यहाँ पर पूरे पेज के जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ नहीं, मैं ul li पर टारगेट करता हूँ। तो ul के अंदर जो li आ रहे हैं, स्लाइस किया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा 2। तो इसका मतलब है 2 से लेकर, मतलब कि जिसका इंडेक्स जो है 2 है, उससे लेकर बाद तक, लास्ट तक जितने भी li आ रहे हैं उन सबको टारगेट करेगा। 0 पे देखिए ऑरेंज है, 1 पे एप्पल है और 2 पे बनाना है। तो ये क्या करेगा, ये बनाना और ग्रेप्स को सिलेक्ट कर लेगा। मैंने फाइल को यहाँ पे सेव किया और ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 1 और फाइल को सेव करूँ, तो देखिए इसने 1 से लेकर एंड तक जितने भी li टैग आ रहे थे उन सबको इसने सेलेक्ट कर लिया। स्लाइस के अंदर आप एक दूसरा पैरामीटर भी दे सकते हैं जिसका मतलब होता है कि कहाँ तक। अब ये क्या काम करेगा, मैं आपको फाइल को पहले सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसने 1 से लेकर 3 तक के बीच में जितने भी li टैग आ रहे थे उनकी एक स्लाइस निकाल ली। ये देखिए, 1 पे था एप्पल, 2 पे था बनाना, 3 पे था ग्रेप्स। तो ये लास्ट वाला, मतलब कि जो हमारा जहां तक करना है उसको सिलेक्ट नहीं करेगा। तो 3 पे था ग्रेप्स, उसको इसने सिलेक्ट नहीं किया। देखिए, अगर मैं यहाँ पर स्टार्टिंग जो हमारे पास स्लाइस है उसमें अगर 0 लिख दूँ, मैं फाइल को सेव करता हूँ, तो ये देखिए, इसने फर्स्ट 1 वाले इंडेक्स को, सेकेंड वाले इंडेक्स को सिलेक्ट कर लिया, 3 वाले को छोड़ दिया। यही काम हम पैराग्राफ के साथ या किसी और टैग के साथ भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पी किया और यहाँ पर मैं करता हूँ, और मैंने यहाँ लिख दिया 1। तो इसका मतलब है 1 से लेकर 3 तक के बीच में जितने भी पैराग्राफ आ रहे होंगे इंडेक्स पे, उन सबको ये सिलेक्ट कर लेगा। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, 0 इंडेक्स पे था ये, इसको इसने छोड़ दिया। 1 से स्टार्टिंग की, 2 पे ये था, 3 तक ये, लास्ट मतलब कि थर्ड पे ये था पैराग्राफ, इस तक के बीच में जितने भी पैराग्राफ आ रहे थे उन सबको इसने सिलेक्ट कर लिया। तो यही होता है स्लाइस का मतलब। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।